जय जवान जय किसान दोस्तों, संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम आए हैं गांव मोहना जिला बुलंदशहर में सत्य प्रकाश जी के घर पे, जहां पे इन्होंने अपनी छत पर बकरी पालन किया हुआ है और सफलतापूर्वक इसे चला रहे हैं। तो सत्य प्रकाश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ पधारने पर। और मेरा नाम सत्यपाल सिंह, गांव मोहना जिला बुलंदशहर। और बस छोटी एक दूसरे की पिक्चर देख के और एक छोटी ट्रेनिंग ली थी, ट्रेनिंग के साथ हमें एक प्रेरणा मिली। वैसे मैं फैमिली के साथ दिल्ली रहता हूँ, लेकिन फिर भी ये मेरा गांव पैतृक गांव है, यहाँ के मैंने ये काम दोबारा शुरू कर लिया है। तो कुछ हमारे पास कड़कनाथ मुर्गी हैं और बाकी बकरियाँ हैं हमारे पास, जिनको हम सफलतापूर्वक काम कर रहे हैं। लगभग हमको 6 महीने इस काम को करते हुए हो गए हैं। सत्य प्रकाश जी, जब आपने काम शुरू किया उससे पहले कैसे आई प्रेरणा, क्योंकि आप तो दिल्ली में रहते हैं? दिल्ली में मैं जो बिज़नेस करता था वो मेरा बिज़नेस लगभग लैब्स मान कर चलता हूँ मैं। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम था, मेरे पास बड़े ट्रक थे 7, ड्राइवर उस काम को सही से नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने उन ट्रकों को बेच दिया। बेचने के बाद में मैंने देखा कि दूसरा कोई काम करूँ, और कई कामों में मैंने पैसा लगाया, लेकिन वहाँ मुझे कोई रिटर्न नहीं मिला, बशर्ते मेरा पैसा डूब गया। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, यूट्यूब पर वीडियो देखी है तो गाँव में हमारी ज़मीन है और ये अपना मकान बना रखा है, तो हमने सोचा एक काम करो, घर के घर ही रहेंगे और बकरी पालन कर लेते हैं। तो मैंने ये काम यहाँ आकर शुरू किया। कितनी बकरी से शुरू किया था आपने अपना फार्म? धीरे धीरे हमने स्टार्टिंग करी थी, पहले एक बकरी लेकर आए, फिर एक बकरी के बाद में हम एक बकरा लेकर आए थे, और फिर उसके साथ में एक बकरी और 2 बच्चे थे साथ में। तो ऐसे धीरे धीरे हमने इकट्ठी बकरी कोई भी नहीं लिया, हमने धीरे धीरे एक एक करके एक एक दो दो करके बढ़ाए हैं। अब इस समय हमारे पास छोटी बड़ी लायक 30 से 35 बकरियाँ हैं, 22 बकरियाँ हमारे पास बड़ी हैं और 13 हमारे पास बच्चे हैं। मैं देख रहा हूँ आपने छत पर किया हुआ है अपना बकरी फार्म। जी, तो ये प्रेरणा कैसे आई और इतने मतलब कम रिसोर्सेज में अपना ये काम किया हुआ है, बहुत कम लागत से शुरू किया आपने, बड़ा अच्छा लगा, थोड़ा सा इस बारे में बताइए। सर, आदमी को काम करने की इच्छा होनी चाहिए, जगह की ज़रूरत नहीं है, मन की इच्छा हो तो सब कुछ हो जाता है। हमने सोचा भी ठीक है, अब धीरे 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 ऐसे ही यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई भी काम करेंगे, छोटी जगह की बात नहीं है, बात यह है कि आदमी करना चाहे। जानवर कभी किसी को ये नहीं कहता मुझे 1 पालो और 10 पालो, जानवर को अगर तुम समझोगे तो जानवर 1 से 10 भी हो जाएंगे, और अगर तुम जानवर को नहीं समझ पा रहे हो तो 10 से 1 भी हो सकता है। तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन बात यह है कि हाँ ठीक है, हम समझ पा रहे हैं, उनको समय दे पा रहे हैं, तो हमारा काम बढ़िया से चल रहा है। कौन सी नस्ल की बकरियां आपने रखी हुई हैं? बकरी हमारे पास मिक्स ब्रीड है सारी, कोई सिंगल एक प्रॉपर एक ब्रीड नहीं रखी है हमने, देसी से लेके हमारे पास हैदराबादी भी है, जयपुरी भी है, सोजत की भी है, ये सारी हैं हमारे पास में। एक तोतापरी की हमने रखी हुई है, वो भी है हमारे, प्योर ब्रीड तोतापरी की हमारे पास 1 है। आपका जो फार्म है किस मॉडल पर है, आप ग्रेजिंग भी कराते हैं या सिर्फ स्टॉल फीड पर है? नहीं, ऐसा है, कोई भी बकरी पालक अगर ये कहे कि मैं सिर्फ स्टॉल फीड पर ये बकरी पालन कर पाता हूँ तो मेरे हिसाब से तो संभव नहीं है, बाकी कोई बताता है तो हो सकता है, जब तक ग्रासिंग नहीं कराएंगे बकरी उस पेट नहीं भरा पाएगा कोई भी। अच्छा, मेरे हिसाब से तो जब से आपने फार्म शुरू किया जी कोई मोर्टिलिटी तो नहीं हुई है? नहीं, हमारे पास कोई मोर्टिलिटी नहीं है, बस सारे जानवर आपके स्वस्थ हैं, एकदम फर्स्ट क्लास से हैं, जो ना ही हमें किसी डॉक्टर की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा है हम अपने आप ही उनको देख रेख करते रहते हैं जी। समय से पहले जो उनको खाने की चीज़ें वो देते हैं, अगर हमको लग रहा है कोई किसी में कोई प्रॉब्लम है तो उसके हिसाब से हम अपना ट्रीटमेंट खुद करते हैं, डॉक्टर की हमें कोई आवश्यकता अभी तक पड़ी नहीं है, ऐसा कोई हमारे पास ऐसा हुआ नहीं है। दाने में आप क्या देते हैं इनको? दाने में जैसे बकरी हमारे पास अब प्रेग्नेंट है, 5वें महीने में लगी हुई हैं, तो हम उनको चने का छिलका और खाने में दूसरी चीज़ वो देते हैं बिनोला, ये दे देते हैं। बाकी मक्का हम कम दे रहे हैं, मक्का नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम मक्का से बोलते हैं चर्बी बढ़ जाती है, इसलिए हम मक्का नहीं दे रहे, हम बस सिर्फ वही पौष्टिक आहार दे रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं दे रहे हैं। आप ग्रेजिंग कितने समय कराते हैं अपनी बकरियों को? ग्रेजिंग का ऐसे अब सर्दियाँ चल रही हैं तो लगभग 12 बजे ले जाते हैं, शाम को 5 बजे तक गुहा फरा के ले जाते हैं। अगर गर्मी होती है तो हम एक काम करते हैं 3 बजे के बाद ले जाते हैं, सारे समय हम घर पर रखते हैं 3 बजे के बाद और 5 बजे तक, बस 2 घंटा गर्मियों में और इस समय 4-5 घंटे क्योंकि ओस के बाद, जिससे कि हमारे पास ऐसा है ग्रासिंग में ये भी देखना जरूरी है कि ऐसा ना हो कि बरसात के मौसम में गंदगी तो ना हो, कीड़े ना हो, या आप जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई ओस पड़ रही है, अगर हम ओस में ले गए तो कहीं ऐसा ना बकरियों को बीमार लग जाए, तो हम लेके जाते हैं उसे जिससे ओस ना हो घास में, जहाँ बकरी आराम से चुग पाए। हाँ, ओस में चरने से छाले आ जाते हैं। हाँ, उनके मुँह बीमारी एक छाले भी पड़ जाते हैं, दूसरे कि इस समय जब घास पर गंद होती है तो हो सकता है उनको ये जो वायरस वगैरह है वो कोई कीड़ा अंदर चला गया घास के अंदर, किस तरह की और नई बीमारी, जैसे अभी कि पीछे हम ले गए थे बरसात में 2 दिन बकरी चराई
तो उनको कृमि वायरल हो गया था जी। तो हमने कृमि वायरल में फिर कृमि की दवा दी, हमारी बकरी सारी ठीक ठाक है। ऐसे हम समय से पहले हमने देखा इनको कोई दिक्कत हो रही है, हमने उनको दवा दे दी, ठीक है इस समय, सब बढ़िया है। आप 6 महीने से अपना बकरी पालन चला रहे हैं, फार्म चला रहे हैं जी, आपको कैसा लगा ये काम? हमें तो बढ़िया लग रहा है जी, एकदम फर्स्ट क्लास, समय हमारा आराम से पास हो जाता है और हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है। लोग कहते हैं कि बहुत लंबे समय में अर्निंग होगी, मुझे लग रहा है हम साल भर में आपने जितना लगाया पैसा उसे वापस कर लेंगे हम जी। मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है। मतलब ओवरऑल इस काम को आप किस रूप में देखते हैं? बस एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि नॉर्मल काम करते लोग उसी तरह कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि भाई बहुत बड़ा हम बिज़नेस अभी नहीं कह पाएंगे जब तक हम कुछ इसको आगे करना लें, 1-2 साल बाद पता चलेगा हम कितने ऊँचे स्तर पर ले जाते हैं इसको। बाकी हमारा जो लक्ष्य है वो एक बड़ा है। कहाँ तक बड़ा है? बस ये कम से कम 100 बकरी तो रखेंगे जी, ज़रूर बिक्री के बाद, यानी हमारे पास फार्म में 100 बकरी होनी चाहिए। कई फार्म शुरू होने के 2-3 महीने के अंदर ही बंद हो जाते हैं या 6 महीने में बंद हो जाते हैं, क्या वजह है इसकी, थोड़ा इस बारे में बताएंगे? जी सर, मालिक ध्यान नहीं दे पाते हैं, अगर नौकरों के ऊपर काम कराएंगे तो नहीं हो पाएगा। मैंने एक बात पहले ही कही है कि अगर हम जानवर देखिए, जानवर हमसे बोल नहीं पा रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं, वो तो नहीं बता पाएगा मुझे क्या प्रॉब्लम है, कैसी भूख है, क्या कुछ है। तो जानवर को जब तक बकरी पालक समझेगा नहीं कि इसको क्या चाहिए और क्या करना है, तब तक वो सफल नहीं हो पाएगा। बकरी अगर पालना चाहता है कोई भी आदमी, तो ये सोच कर ना पाले कि बकरी एक जानवर है, क्योंकि जानवर तो कई तरह के होते हैं, बोलता कोई नहीं है। अगर बकरी ही पालनी है तो समझ लो बकरी के साथ आपको उसी तरह का बनना पड़ेगा जिस तरह की बकरी है, उसको समझना पड़ेगा, तब तो आप सफल हो पाओगे, अन्यथा समझो कि बकरी तुम पाल नहीं पाओगे। मेरे हिसाब से जैसा मतलब आपको जानवर को के करीब रहना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, तभी बिल्कुल, आप इसमें कामयाब हो सकते बिल्कुल, हैं। बिल्कुल। आप ये समझे कि मैं नौकर के भरोसे कर लूं और अपना समय नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। नहीं, बिल्कुल पूरी तरह फेल। अब हम यहाँ देखिए, एक छोटी जगह में आपने कहा हम घर पे छत पे पाल रहे हैं, हम नीचे आकर सो जाते हैं बकरियों को बांधने के बाद, हमको पता चला हमारी किसी बकरी ने आवाज़ लगाई, हमें हमारी सोते हुए नींद खुल जाती है, तो जाहिर सी बात है हमारा लगाव बकरी के साथ ज़्यादा है जी। तो हम तुरंत यहाँ से उठ के भाग के जाएंगे, हम अपनी सर्दी गर्मी या कपड़ा नहीं देखते हैं, फटाफट ऊपर जाते हैं, जाकर देखते हैं किसको क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या दिक्कत हुई है। तो अगर हम इस तरीके से काम करेंगे तो शायद हम थोड़ा आगे बढ़ पाएंगे, और सोच रहे चलो ठीक है सुबह देख लूँगा, तो सुबह वाली तो सुबह ही होती है, फिर कब सुबह हो पाएगी उसका कोई पता नहीं है। आपने छत पर शुरू किया, जीना उतरती हैं ये बकरियाँ जी, कभी इनको चोट नहीं लगी? सर पहले दिन बकरियों को चढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ऐसे है जो नीचे रहती है उसे अगर छत पर ले जाएं तो दिक्कत तो होगी जी। 2 दिन छत पर हम बकरियों को पकड़ के ले गए, 3रे दिन अपने आप हाँ जैसे हम चला के लेके आए अपने आप दौड़ी दौड़ी चली गई, दौड़ी दौड़ी चली जाती हैं जी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ना कोई गिरी है ना कोई अच्छा, अगर मान लीजिए उस दरवाजे को खोल भी देती हैं वो तो अपने आप नीचे चौक में यहाँ आ जाती हैं, हम यहाँ से फिर उनको धमका देते फिर ऊपर चली जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं है किसी भी तरह का। आपने जब ये शुरू किया था इसमें आपने शेड बनाया, क्या खर्चा आया आपका बकरियों में और ये शेड में, थोड़ा सा बताएंगे इस बारे में? बकरियों का जब हमने ये शेड बनाया था लगभग हमारे 45,000 रुपये लगा था इसमें ऊपर जी। 45,000 रुपये लगाने के बाद में बकरियों की एक बार हमने खरीदी नहीं की, इसलिए इसका एस्टिमेट अगर अलग अलग बताएंगे तो लंबा हो जाएगा जी। लगभग फिर भी हमने ऐसे लगभग 1-1.5 लाख के आसपास हमने सारा काम कर लिया उसमें। अच्छा, बकरियों में और इस स्ट्रक्चर में यहाँ के में जी, हमारा 1.5 लाख रुपए में, लगभग 1.5 लाख रुपए इसमें लगा है हमारा। दर्शकों, सत्य प्रकाश जी ने 6 महीने पहले अपना बकरी फार्म अपने घर की छत पे शुरू किया, सीमित संसाधनों में इन्होंने अपना बकरी पालन शुरू किया और आज सफलतापूर्वक चला रहे हैं। अगर आपका बजट कम है तो इस मॉडल को अपनाएं, जिससे आपको इस काम में ज़रूर सफलता मिलेगी। तो ये थे हमारे साथ में सत्यपाल जी, जिन्होंने आपको बकरी पालन के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी। यदि आपको इनके द्वारा दी गई जानकारी और हमारे द्वारा की गई कोशिश अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।